हेलो प्रेप मेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी इस प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो वीडियो है वो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है प्रेप ऑनलाइन ऐप के ऊपर। तो आपको प्रेप ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करनी होगी और मोस्ट वॉन्टेड सीरीज के लिए रजिस्टर करना होगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम डे 4 के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी मोशन के बारे में जो हमें हमारे चारों तरफ नॉर्मली दिखाई देती है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हवा में उछालते हैं तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन हमेशा वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और उसकी वजह से वो जो उछाला गया ऑब्जेक्ट है वो वापस से हमारे ही हाथों के अंदर आके गिरता है, जमीन पर आके गिरता है, राइट। तो इस तरीके की मोशन को स्टडी करेंगे और इसी मोशन का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपको इन दोनों टॉपिक्स के अंदर बिल्कुल जीरो से हीरो तक बनाने का जो काम है वो करेंगे आज के दिन। स्टार्ट करते हैं, राइट। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, तो जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो चार डिफरेंट केसेस के बारे में बात करेंगे। एक तो सिंपली किसी बॉडी को किसी हाइट से क्या कर दिया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए। ध्यान रखना, मोशन अंडर ग्रेविटी एक नया टॉपिक नहीं है, इसको भी उन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन के द्वारा एनालाइज किया जाता है जो हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ी थी। और आई होप आपको सबको वो इक्वेशन ऑफ मोशन पता होंगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट मोशन। आपका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है, वो कांस्टेंट रहता है। मेन जो खेल है वो है आपके चॉइस ऑफ साइन का, मतलब आप किस पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो। नॉर्मली हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है वो नेगेटिव हो जाएगा। कई क्वेश्चंस के अंदर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हो तो फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जो क्वांटिटीज होती हैं वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो चॉइस इज योर्स। देखते हैं किस तरीके से ये काम होता है। तो पहला केस है अगर बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया जाए। अब यहाँ पे सारा का सारा खेल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो क्यों हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को, क्यों ना हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां से यहां तक h, वो भी पॉजिटिव है। जो एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो भी पॉजिटिव है, राइट। और इनिशियल स्पीड क्योंकि ड्रॉप किया गया है तो जीरो, डिस्टेंस है h, एक्सेलरेशन है g, इसकी वैल्यू आई होप सबको पता होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हो। और आपको क्या निकालना है कि कितने टाइम बाद में जाकर ये जमीन से टकराएगा। ये चारों वेरिएबल कौन सी इक्वेशन के अंदर आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं अपन सॉरी सेकेंड इक्वेशन के अंदर आते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं अपन एस, यानी कि एच इज इक्वल टू यू इन टू टी, जीरो को टी से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, हाफ ए मतलब जी टी स्क्वायर। तो यहां से टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी अंडर रूट टू एच अपॉन जी। तो आपने देखा कुछ नया नहीं है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, इन रिजल्ट्स को ध्यान रख लेंगे क्योंकि बार बार ये क्वेश्चंस के अंदर यूज होते हैं। तो टाइम लगेगा अंडर रूट टू एच अपॉन जी। कोई पूछे कि बताओ जमीन से टकराते टाइम पे स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड हो जाएगी अगर टाइम दे रखा है तो जी इन टू टी, और अगर हाइट दे रखी है तो अंडर रूट टू जी एच। थर्ड इक्वेशन लगा के आप आसानी से निकाल सकते हो। कोई पूछे बताओ nth सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी जाएगी, तो u प्लस जी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2n माइनस 1 हमारा फॉर्मूला होता था, बट यहाँ पे u जीरो होने की वजह से कितना रह जाएगा, g डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2n माइनस 1। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड केस देखते हैं, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड बट विथ सम वेलोसिटी। आपकी बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रही है बट हम कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, फेंक रहे हैं उसको, राइट। तो आप इन चारों इक्वेशंस का यूज करते हुए आसानी से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कई बार आपको दे दिया जाता है कि 100 मीटर की हाइट से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पत्थर फेंका गया है, बताओ जमीन से कितनी देर बाद में टकराएगा। ध्यान देना यहां पर इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको, यू जीरो नहीं है, पिछला वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। तो आप यहां पर आओगे, आपको एच दे रखा है 100 मीटर, यू दे रखा है 10, और एक्सेलरेशन तो सबको पता ही होता है। तो इस इक्वेशन को आप जब आप अप्लाई करोगे तो टाइम के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व करके आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो। आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आई होप सबको आता होगा क्योंकि हमने डे 1 के अंदर बेसिक मैथ्स के अंदर कवर किया था उसको। बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन देख लिया, अब अपवर्ड देखते हैं। जब अपवर्ड फेंका जाता है तो दो केस बनेंगे, एक तो जमीन से फेंका जा सकता है और उसके केस में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ वो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा और उसको वापस से ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगेगा।
इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हो जाएंगी, यहां पर आप देख सकते हो हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यू अपवर्ड डायरेक्शन में, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एज इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। ऐसे ये भी चेंज हो जाएगी और ये भी चेंज हो जाएगी, राइट। अब बनाते हैं, यहां पर आपको कह दिया गया है कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब मैक्सिमम हाइट होगी, वो कितनी होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो। तो यहां पे वी को जीरो रख दिया, यू स्क्वायर माइनस टू जी जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसको इधर लेके आओ तो एच की वैल्यू निकल के आएगी यू स्क्वायर अपॉन टू जी। ऐसे टाइम की बात करें, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, अगेन वी को जीरो रख देंगे तो टाइम आएगा यू अपॉन जी। जितना टाइम यहां से यहां लग रहा है उतना वापस यहां से यहां तक आने में लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, 2u डिवाइडेड बाय g हो जाएगा, राइट। और लास्ट जो केस आपसे पूछा जा सकता है वो है बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम अ हाइट। तो यहां पे ऑलरेडी इस हाइट के ऊपर और बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फेंका जा रहा है। कई बार ये केस ऐसे भी आ जाता है कि एक बलून है वो ऑलरेडी 100-200 मीटर की हाइट के ऊपर है और अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और वहां से एक पत्थर को ड्रॉप किया जाता है। तो बेसिकली वो भी किस केस के बारे में बात कर रहा है, इसी के बारे में बात कर रहा है। उसमें भी पत्थर ऑलरेडी हाइट पर है और उसमें भी पत्थर की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वही होगी जो बलून की वेलोसिटी है जिससे उसको फेंका जा रहा है। तो अलग क्वेश्चन नहीं है, आप रिलेट कर सकते हो, इन चारों से बाहर आपका क्वेश्चन वैसे भी आएगा नहीं, राइट। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉडी, बॉडी के द्वारा मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करी जाएगी ग्राउंड से। तो ग्राउंड से एच पर तो वो पहले से ही था, और यहां से अगर इसकी मोशन को देखोगे तो ये कुछ नहीं है, हमारा थर्ड केस है। और थर्ड केस में हमने देखा था कि जो हाइट अचीव करी जाती है वो होती है यू स्क्वायर अपॉन टू जी। तो ग्राउंड से टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, एच प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू जी हो जाएगी। ऐसे जब आप डिस्टेंस की बात करोगे तो ऑलरेडी h हाइट के ऊपर तो था ही आपका पार्टिकल, यहां से गया u स्क्वायर अपॉन 2g ऊपर और वापस से आया u स्क्वायर अपॉन 2g नीचे। तो टोटल डिस्टेंस यहां तक कितनी आ गई, u स्क्वायर अपॉन g, ठीक है। और फिर यहां से लेके यहां तक h हाइट के ऊपर वो इस तरीके से, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, यहां से यहां तक यू स्क्वायर अपॉन जी, यहां से यहां तक यू स्क्वायर अपॉन जी, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गई यू स्क्वायर अपॉन जी, सॉरी यू स्क्वायर अपॉन टू जी, यू स्क्वायर अपॉन टू जी, और टोटल हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी। और यहां से लेके यहां तक कैपिटल एच, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी कैपिटल एच प्लस यू स्क्वायर अपॉन जी। आई होप सब विजुअलाइज कर पा रहे हो, राइट, इस क्वेश्चन को। और ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, अब ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगेगा उसके लिए केस इंटरेस्टिंग है। आप बोलोगे पहले पार्टिकल यहां पर था और फिर पार्टिकल कहां पर आ गया, यहां पर। तो यहां से लेके यहां तक आने में भले ही रास्ता कुछ भी रहा हो, डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होती है, पिछले वीडियो के अंदर देखा था, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिक होता है। यहां से यहां के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, एच। किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम मान लेते हैं पॉजिटिव, तो हमारी इक्वेशन बनेगी एच इज इक्वल टू, क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव, माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नोटिस करना, मैंने जी को पॉजिटिव माना है, कारण आप सबको पता है। अब इसको, क्योंकि हमें h और u नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर दिए हुए रहते हैं, g हमें पता रहता है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और इस तरीके से हम टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन चारों केसेस के अंदर सिमटते हुए दिखाई देंगे आपको सारे के सारे क्वेश्चन, देखते हैं किस तरीके से। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h अबव द ग्राउंड, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फॉलन इन फर्स्ट 1 सेकेंड एंड फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो क्योंकि बॉडी को ड्रॉप किया गया है तो हाइट होगी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बट यू जीरो होने की वजह से केवल और केवल बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट सेकंड का आंसर आ जाएगा हाफ जी, टी की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ जाएगा हाफ इंटू जी इंटू 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल बचेगा 2g। ऐसे h3 निकाल सकते थे, h4 निकाल सकते थे। ये शुरुआत से लेके 2 सेकेंड बीत जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है पार्टिकल के द्वारा, वो है ये, राइट। अब अगला क्वेश्चन अलग है, फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस होगी, सेकंड सेकंड में कितनी डिस्टेंस होगी और थर्ड सेकंड में कितनी डिस्टेंस होगी। तो फर्स्ट सेकंड में तो इतनी होगी शुरुआत से लेके फर्स्ट सेकंड तक, राइट। तो एच
फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो वो तो कितनी आ जाएगी, जी डिवाइडेड बाई टू। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एच एंथ वाला लगाएंगे, दैट इज जी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स टू एन माइनस वन, एन की वैल्यू रखेंगे ये आ जाएगी। एच सेकेंड सेकेंड में निकालोगे तो ये आ जाएगा जी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स टू इंटू टू माइनस वन, दैट इज थ्री जी डिवाइडेड बाई टू। ऐसे एच थर्ड कोई निकालने के लिए कहे तो आ जाएगा 5g डिवाइडेड बाय 2। आई होप आप सब कैलकुलेशन कर लोगे। तो इनका रेशियो निकाल के देखो, आप देखोगे ये और ये, इसका रेशियो कितना निकल के आ रहा है, 1:3:5, और आगे चले जाते तो 7 फिर 9 इस तरीके से आपको। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट बन गया कि एक अगर पत्थर को ड्रॉप किया जाता है तो कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड के अंदर, राइट, कॉन्सिक्यूटिव से फर्स्ट सेकेंड 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 थर्ड सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड के अंदर ट्रेवल करी गई जो डिस्टेंस है वो हमेशा ऑड नंबर्स के रेशियो के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 40 मीटर हाई, 40 मीटर ऊंचा एक टावर है और वहां से एक बॉल को ऊपर फेंका गया है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से। पत्थर ऊपर जाता है, अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है और फिर वापस से नीचे आ जाता है। तो इस दौरान जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, कितना हो जाएगा 40 मीटर। हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टाइम्स टी, और यहाँ पे यू आएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को माना है पॉजिटिव, टाइम्स टी प्लस हाफ जी को अपन ले लेते हैं 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 से थ्रू आउट इक्वेशन कैंसिल हो जाएगी, 8 इज इक्वल टू माइनस 10 टी प्लस 5 टी स्क्वायर, सॉरी 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा ओनली टी स्क्वायर, और यहां पे भी बच जाएगा। चलो फटाफट से देखते हैं। तो 5 से थ्रू आउट आपकी इक्वेशन कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा 8 इज इक्वल टू माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर दैट इज 4, माइनस 4ac यानी कि माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2, तो ये बच जाएगा 2 प्लस माइनस 4 प्लस 32 36, अंडर रूट से बाहर आके 6 2। इसके दो आंसर निकलेंगे, अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हो तो 8 डिवाइडेड बाय 2 4 सेकंड आएगा, और अगर आप इसको नेगेटिव लेते हो तो माइनस का 2 सेकंड आएगा। अब आपको पता है कि नॉर्मली मोशन के दौरान टाइम बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर नहीं चलता, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर चलता है, तो टाइम की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं कंसिडर करी जाती, इसलिए आपका जो आंसर है वो टी इज इक्वल टू 4 सेकंड जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि 4 सेकंड बाद में आपको ये जो पत्थर भाई साहब हैं वो जमीन पर धराशायी मिलेंगे अगर इनको 40 मीटर हाइट से ऊपर फेंका जाता है तो भी। ठीक है, जो भी चीज ऊपर फेंकी जाती है वो हमेशा जमीन पर आके गिरती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अ जगलर थ्रोज बॉल्स इनटू एयर, ही थ्रोज वन बॉल व्हेनेवर द प्रीवियस वन इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, हाउ हाई डू द बॉल्स राइज इफ थ्रोज एन बॉल्स ईच सेकेंड। तो जगलर तो पता ही होगा, वो खूब सारी बॉल्स को हवा में एक साथ उछालने का कारनामा दिखाते हैं, बहुत कठिन होता है वो, उसका कारण भी आपको जानने को मिलेगा क्यों। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वो एक सेकंड के अंदर एन बॉल्स हवा में उछाल लेता है, बहुत फुर्तीला आदमी है। इसको अपन थोड़ा सा हमारे लेवल पे लेके आ जाते हैं, मैं जगलिंग नहीं कर सकता बट मैं लड्डू खा सकता हूं, तो मैं एक सेकंड के अंदर सपोज करो 10 लड्डू खा सकता हूं, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक लड्डू को खाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे सर 1/10। सिमिलरली अगर जगलर एक सेकंड के अंदर एन बॉल्स फेंकता है तो एक बॉल को फेंकने में कितना टाइम लगेगा, 1/N। तो यहां से उसने बॉल फेंकी, ये ऊपर गई, ठीक है, और 1/N के बाद में ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आया, तो इसी ने कहा है कि ही थ्रोज वन बॉल व्हेनेवर द प्रीवियस वन इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो 1/N में इसको दूसरी बॉल फेंकनी है, तो मजबूरी में आपको मानना पड़ेगा कि जो पहली वाली फेंकी गई थी वो कहां पर पहुंच चुकी है, अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुकी है। और अगर इसको यहां से अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाने में 1/N लग रहे हैं तो यहां से वापस से नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा इसको, 1/N लगेगा। अब हम इस वाली मोशन को पकड़ के बैठ जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी थी 0,
टाइम लगा यहां से यहां तक आने में टी इज इक्वल टू वन अपॉन एन, एक्सेलरेशन सबको पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना ले लेते हैं अपन जी, और हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, दैट इज एस इज इक्वल टू एच, ये अपनों को निकालना है। एस यू टी और ए सेकेंड इक्वेशन में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग एस यानी कि एच इज इक्वल टू यू इंटू टी, तो जीरो हो जाएगा, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू जैसे ही अपन वन अपॉन एन रखेंगे तो यह आ जाएगा जी अपॉन टू एन स्क्वायर। अब नोटिस करो एच जो है वो एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आप सपोज करो तीन बॉल्स के साथ जगलिंग करना चाहते हो तो यहां पे तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन, नौ को दो से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एटीन, और जी मतलब टेन को एटीन से डिवाइड कर लेना, उतनी हाइट तक आपको बॉल को फेंकना पड़ेगा, राइट। जैसे जैसे आप एन बढ़ाओगे, आप होशियार बनने की कोशिश करोगे, ज्यादा बॉल्स के साथ जगलिंग करोगे, तो आप देख रहे हो एच एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी नंबर ऑफ बॉल्स के साथ आप जगलिंग करना चाहोगे आपको बॉल्स को उतनी ही ज्यादा हाइट तक उछालना पड़ेगा, और इसी की प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, और उसके अंदर माहिर हो जाने के बाद में वो इस कारनामे को दिखा पाते हैं। तो ये तो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी की बात थी, बट जिसका इंतजार आप कर रहे हो वो है ये, इसको एक अलग से टॉपिक बना के हवा बना दिया गया है, जबकि ये कुछ नहीं है, दो स्ट्रेट लाइन वाली मोशन का कॉम्बिनेशन है। जब आप पत्थर को वर्टिकल डायरेक्शन में ना फेंक के किसी एंगल थीटा के ऊपर फेंकते हो तो उसकी दो अलग अलग तरीके की मोशन होती है। एक तो आप उसकी मोशन को डिवाइड कर सकते हो वर्टिकल मोशन जिसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, और एक हॉरिजॉन्टल मोशन जिसमें कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए आप कहीं भी चले जाओ, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, आपको हमेशा इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा हमेशा। यहां पर भी कितना मिलेगा, यूएक्स, यहां पर भी कितना मिलेगा, यूएक्स, जमीन से टकरा रहा है तो भी कितना मिल रहा है, यूएक्स मिल रहा है। सबसे पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट मोशन, इन विच इन वर्टिकल मोशन वी कंसिडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन देर इज नो एक्सेलरेशन एट ऑल, सो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स सेम थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। दो तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, कई बार तो आपको दे दिया जाता है यू और थीटा, सिंपल कि भाई इतनी वेलोसिटी से फेंका, इतने एंगल पर फेंका, तो आप क्या करते हो इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट निकाल लेते हो यू कॉस थीटा, इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट निकाल लेते हो यू साइन थीटा। फिर आपसे तीन अलग अलग चीजें पूछी जा सकती है कि ये यहां से मैक्सिमम हाइट तक कितनी हाइट तक जाएगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, आसानी से निकाल सकते हो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। ऐसे कोई टाइम पूछे तो कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी, आसानी से निकाल सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है वाई डायरेक्शन के अंदर। डेरिवेशन करने से हमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम इन फॉर्मूलाज को डायरेक्ट याद रखेंगे। और तीसरी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है कि बताओ इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूर जाके गिरेगा, तो वो हो जाएगा 2u² sin 2 थीटा, ये 2 हटा लो यहाँ पे, u² sin 2 थीटा अपॉन जी। इसकी भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको सबको पता होना चाहिए, u² sin 2 थीटा अपॉन जी, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो जब हमें यू और थीटा दे दिया जाए तो हमें फॉर्मूलाज भी यू और थीटा की फॉर्म वाले ही लगाने हैं, और कई बार हमें क्या दे दिया जाता है, थीटा दिया ही नहीं जाता, हमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वेक्टर फॉर्म में दे दी जाती है कि एक पत्थर है उसको 3i कैप + 4j कैप वेलोसिटी के साथ फेंका गया, बताओ उसकी रेंज कितनी होगी, टाइम कितना होगा, ये वो सब कुछ, घबराना नहीं है हमें। इस केस में अब की बार हमारा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हमें सीधा सीधा ही दिख जाएगा ux, वर्टिकल सीधा सीधा दिख जाएगा uy, तो फॉर्मूलाज भी अपन इन्हीं की टर्म में ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा uy² / 2g, ठीक है, कुछ नहीं है, यू साइन थीटा ही तो यू वाई के इक्वल है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2uy / g, 2uy / g, यू साइन थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, यू वाई रख दिया, और यहां पे मैं जब इसको रिजोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2ux uy / g। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को चुटकियों के अंदर सॉल्व करना चाहते हो तो आप ये दोनों डायरेक्शंस पकड़ के रखो और दोनों डायरेक्शन के फॉर्मूलाज ध्यान रखो। अगर ऐसे इंफॉर्मेशन दी जाती है तो थीटा वाला फॉर्मूला, ऐसे इंफॉर्मेशन दी जाती है तो एक्स वाई वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। हालांकि आप एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, बट फिर भी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ध्यान रखना है।
और क्या पूछा जाएगा आपसे, आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा, जीरो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचेगा। तो ये भी कई बार अक्सर पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना है टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी केवल और केवल किसके इक्वल हो जाती है, यू एक्स, यानी कि किसके इक्वल हो जाती है, यू कॉस थीटा के इक्वल हो जाती है। बाकी सब पॉइंट्स पर वर्टिकल कंपोनेंट के होने की वजह से नेट वेलोसिटी अलग 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 होगी। यहां पर टकराते टाइम पे मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होने वाला नहीं है, बट वर्टिकल कंपोनेंट पहले अप था, अब क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो आपकी नेट वेलोसिटी की शक्ल कैसी हो जाएगी, वी इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप माइनस यू आई जे कैप माइनस यू आई, पहले प्लस यू आई था यहाँ पे, वहां पे कितना हो गया माइनस यू। ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, राइट। छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखो, प्रोजेक्टाइल मोशन आपके फिंगर्स के ऊपर आ जाएगी, गारंटीड, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और इसको अच्छे से विजुअलाइज करो, जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर ध्यान मैंने लिखी है वो आपको सबको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये और हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे किसी भी टाइम पर इसकी वेलोसिटी पूछे, तो मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट तो चेंज होगा नहीं, और वर्टिकल कॉम्पोनेंट पे फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो कितना आ जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू आई माइनस जी टी, तो उसको जे कैप के साथ चिपका दो, थीटा की फॉर्म में दे तो यू एक्स, तो यू कॉस थीटा रहेगा और यू आई की जगह यू साइन थीटा रख सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पूछे जाए, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना होगा, सिंपली एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जबकि वाई के लिए आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपकी बनेगी इक्वेशन यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यू एक्स और यू आई की जगह आप थीटा वाली फॉर्म भी रख सकते हो, तो उस फॉर्म में भी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ये भी ध्यान रखना रेंज और मैक्सिमम हाइट के अंदर जो रिलेशन होता है, कई बार क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं अगर आप इस रिलेशन को याद रख लेते हो, एच जो होगा वो हमेशा आर डिवाइडेड बाय 4 tan थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। इसको मैंने थीटा की फॉर्म में लिख दिया, इसको थीटा की फॉर्म में लिख दिया, वो एक अलग से फैक्ट हो गया हमारे लिए। नेट चेंज इन मोमेंटम अगर कोई पूछे, ठीक है, तो यहां पे मोमेंटम था कितना, एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप, और जब वापस से टकरा रहा था तब मोमेंटम कितना था, एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। मैंने बताया था ना नीचे वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव हो जाता है, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करो तो आप देखोगे एम यू कॉस थीटा और एम यू कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट चेंज कितना निकल के आएगा, माइनस 2 mu sin थीटा। अगर आप केवल और केवल मैग्नीट्यूड निकालो तो इस चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, 2 mu sin थीटा हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूं। आर मैक्सिमम कब होगा, तो आर का फॉर्मूला हमने देखा था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर तब मैक्सिमम होगा जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो, और साइन 2 थीटा तब मैक्सिमम होगा जब 2 थीटा 90 डिग्री के इक्वल हो, यानी कि थीटा कितना हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, और उस केस में जो आर होगा वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। उस केस में एच जो होगा, थीटा की जगह 45 रखो, टेन 45 वन होता है, किसके इक्वल हो जाएगा, रेंज डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि यू स्क्वायर अपॉन 4g के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे छोटे 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 पॉइंट से मिलके पूरे के पूरे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपके फिंगर्स पर होनी चाहिए पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर और 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंका जाए, मतलब जैसे एक बार तो 30 डिग्री पर फेंक दिया, एक बार 60 डिग्री पर फेंक दिया विथ सेम वेलोसिटी, तो ध्यान देना उनकी जो रेंज है वो सेम होगी, बट उनका टाइम पीरियड और उनका मैक्सिमम हाइट ये दोनों अलग अलग होंगे। उनके ऊपर भी कई बार आपको ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो हेल्प कर सकते हैं, कि दोनों केसेस में जो हाइट्स होंगी एच और एच डैश वो हमेशा रेंज से इस तरीके से रिलेटेड होंगी, और दोनों केसेस में जो टाइम पीरियड होंगे टी और टी डैश वो रेंज से कुछ इस तरीके से रिलेटेड होंगे। कई बार बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, ऐसा बोला जाता है कि एक पार्टिकल है उसको 30 डिग्री एंगल पर फेंका गया है और उसको जो टाइम लगता है वो 3 सेकेंड लगता है, उसकी रेंज सपोज करो 100 मीटर है। इसी पार्टिकल को जब 60 डिग्री एंगल पर फेंका जाएगा तो बताओ उसको कितना टाइम लगेगा। अब आप इसमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करो, इससे बढ़िया ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा। रेंज दे दी गई है, एक का टाइम दे दिया गया है, दूसरे का पूछा गया है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। सेम चीज इसके साथ हो सकती है। सो दिस पर्टिकुलर केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इन दैट इंफॉर्मेशन विच यू विल हैव टू रिमेंबर डायरेक्टली, राइट।
ट्रेजेक्टरी इक्वेशन अगर याद रख सको तो रख लो, अदरवाइज एक्स कोऑर्डिनेट निकालना बताया था, वाई कोऑर्डिनेट निकालना बताया था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में से टाइम को आप गायब कर देना तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बन जाएगी। ये तब काम आती है जब कई बार आपको एक्स कोऑर्डिनेट देके वाई कोऑर्डिनेट पूछा जाता है या वाई कोऑर्डिनेट देके एक्स कोऑर्डिनेट पूछा जाता है। इक्वेशन याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहे तो एक्स को टाइम की फॉर्म में निकालो, वाई को टाइम की फॉर्म में निकालो, टाइम को गायब कर दो, अल्टीमेटली आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बट रिकमेंड करता हूँ कि याद कर लेना, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर ये सिंपल फॉर्म है वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, खैर ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपको याद रह गए तो आप देखना क्वेश्चंस कितने आसानी से कर सकते हो। और मैं उन क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा जो मैं करवा रहा हूं, इसके बाद में जो फॉलोअप क्वेश्चंस हैं वो जब आप करोगे ना खुद से, तब आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी इंक्रीज हुई है। एक तो आपका डर खत्म हुआ है और दूसरा आपको चीजें वाकई वो वाली ध्यान में रखने के लिए कहा गया है जो नीट के अंदर पूछी जाती है। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी यू मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। At any instant, its velocity v is at right angle to its initial velocity u. Then v is. तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो v भी पूछा जाता है और कई बार टाइम भी पूछा जाता है। तो पहले अपन v वाला करते हैं और फिर अपन टाइम वाला भी साथ ही साथ में कर लेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली आप एक प्रोजेक्टाइल है उसको u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंक रहे हो, ये मस्त अपने मोशन कर रहा है और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी जो वेलोसिटी v है वो आपको u से, ये u को मैं उठा के वापस से यहां पे बना देता हूं, कितना एंगल बनाते हुए नजर आएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नजर आएगी। आपको पता है यू हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वी के कंपोनेंट लेते हैं, वी का इधर कंपोनेंट आ जाएगा वी कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि वी साइन थीटा। बट आपने तो पढ़ा था कि सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज होता ही नहीं है, वो तो हमेशा किसके इक्वल रहता है, u cos थीटा के इक्वल ही रहता है। तो आप इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करके कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए v sin थीटा, अगर वहां पर वेलोसिटी v है, और हमारे कंसेप्ट के हिसाब से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए u sin u cos थीटा, दोनों एक ही तरफ इंडिकेट कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। u cos थीटा को अगर हम v sin थीटा के इक्वल कर देते हैं तो v की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आती है, u cos अपॉन sin, दैट इज u cot थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक कई बार टाइम की फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। तो टाइम की फॉर्म में कैसे पूछेंगे और किस तरीके से अपन करेंगे, तो u तो हो जाएगा आपका u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, और किसी भी मोमेंट पर वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt टाइम्स j कैप। अगर u और v आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो u डॉट v कितना होगा आपका, जीरो होगा, और u डॉट v करना तो हमें आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जी टी यू साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू तो वन होती है तो यहाँ पे यू स्क्वायर बच जाएगा, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी टी यू साइन थीटा बचेगा, यू से यू कैंसिल हो जाएगा तो टाइम की वैल्यू निकल के आ जाएगी यू अपॉन जी साइन थीटा। दोनों तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज रूट थ्रू रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो यहां पर स्पीड थी u, फिर ये गया 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 और यहां पर स्पीड हो गई कितनी, रूट थ्री डिवाइडेड बाय टाइम्स u। बट हमें पता है कि स्पीड तो हमेशा किसके इक्वल होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा के इक्वल, खासकर टॉप मोस्ट पॉइंट पर केवल और केवल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है, तो यही किसके इक्वल हो जाएगा, u cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। u से u कट गया, cos थीटा रूट थ्री बाय टू के इक्वल, यानी कि थीटा कितना आ जाना चाहिए आपका, 30 डिग्री आ जाना चाहिए, यानी कि इसको 30 डिग्री पर फेंका गया था तब जाके ऐसा काम हो रहा होगा।
इट्स रेंज ऑन द मैक्सिमम ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज. तो अब जैसे हमें थीटा पता पड़ गया, फिर हम रेंज तो आसानी से निकाल ही सकते हैं. रेंज होती है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यानी कि यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय जी. और साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट, वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सिंपल सा फैक्ट काम में आ गया कि यार टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा होती है. उसको यूज करके आपने थीटा और फिर रेंज निकाल ली. द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप. इफ रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट देन. तो द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी, मैंने बताया था कई बार आपको वेलोसिटी की जो इंफॉर्मेशन है वो वेक्टर फॉर्म में भी दे दी जाती है राइट. और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट. तो हमने एक रिलेशन देखा था, एच जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, आर डिवाइडेड बाय 4 टेन थीटा के इक्वल होता है. अब आप बोलोगे सर अगर हमें कोई टेन थीटा बता दे, काश इसने हमें थीटा दिया होता तो हम इस क्वेश्चन को फटाफट से कर देते. तो नहीं दिया तो भी कौन सी बड़ी बात है, ये एक्स कॉम्पोनेंट है ये वाई कॉम्पोनेंट है. तो टेन थीटा जो होगा वो पक्का किसके इक्वल हो जाएगा, वाई कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कॉम्पोनेंट के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा एच. देखो कह रहा है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट, तो एच को तो एच ही रहने दो, आर की जगह आप लिख दो 2h डिवाइडेड बाय 4, फिर टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी b अपॉन a. एच से एच चला गया, 2 से 4 चला गया, तो 2a किसके इक्वल हो जाना चाहिए, b के इक्वल हो जाना चाहिए. यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होना चाहिए. बहुत आसान क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप छोड़ के आ जाते हैं अगर इस क्वेश्चन को आप एग्जाम के अंदर देख लेते हो. छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, तो यहाँ पे हमें आप नोटिस करोगे तो कैसी इक्वेशन दे रखी है, एक ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दे रखी है, और उस ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है. अब ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जो है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. ट्रेजेक्टरी इक्वेशन हुआ करती थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो कि जो x का कंपोनेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, टेन थीटा के इक्वल होना चाहिए. तो टेन थीटा किसके इक्वल दिखाई दे रहा है हमें, रूट थ्री के इक्वल दिखाई दे रहा है. तो थीटा किसके इक्वल दिखाई देगा हमें, 60 डिग्री के इक्वल दिखाई देगा. डायरेक्ट कंपैरिजन करोगे और आप आंसर पा सकते हो राइट. रख के भी देख लो आपको ये इक्वेशन दिखाई देगी, थीटा 60 डिग्री रख लो तो यहाँ पे तो रूट थ्री एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे 60 रख के देखो तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2. 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वो 2 चला जाएगा ऊपर, तो वहां पे बचेगा आपका जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. इवन आपसे u भी पूछा जा सकता था यहाँ पे राइट, कि u कितना होगा, तो वो अकॉर्डिंगली आप आसानी से निकाल सकते हो. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा. अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज e इज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट विल बी. तो अगर 45 डिग्री पर पूछा गया है तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी u cos 45, यानी कि u डिवाइडेड बाय रूट 2. यहाँ पर वेलोसिटी थी कितनी, u, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी e इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी e डैश हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर कर दिया. इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, e के इक्वल है, तो e डैश आ जाएगा आपका e डिवाइडेड बाय 2. यही आई को पूछा गया है, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट विल बी. तो शुरुआत में ई थी और हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, ई डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी को मिक्स करके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी रूट 2gh फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, h हाइट का टावर है और यहां से हॉरिजॉन्टली अंडर रूट 2gh वेलोसिटी के साथ आपके पार्टिकल को फेंका गया है.
इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड लेवल थ्रू द फुट ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस एक्स. तो यहां से इसकी मोशन वही प्रोजेक्टाइल होते 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 यहां पर चला जाएगा और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, एक्स हो जाएगी. द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो इसको कैसे करेंगे हम, पहले हम y डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे. तो y डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी थी वो तो कितनी थी, जीरो थी. शुरुआत में सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, राइट. y डायरेक्शन के अंदर इसने डिस्प्लेसमेंट करा है h. y डायरेक्शन के अंदर इसको कितना टाइम लगा है वो हमें निकालना है, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है g. ध्यान दो, मैंने h और g दोनों को पॉजिटिव लिखा है क्योंकि दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली. सेकेंड इक्वेशन लगती हुई नजर आ रही है, s यानी कि h इज इक्वल टू यू इंटू टी, वो तो जीरो हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि टी कितना निकल के आ जाएगा, अंडर रूट टू एच अपॉन जी. अब आपको याद आएगा कि सर ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है. वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर इसकी केवल और केवल वाई डायरेक्शन को स्टडी करोगे तो ये बिल्कुल उस मोशन की तरह है जो हमने फर्स्ट केस पकड़ा था कि किसी पार्टिकल को अगर ड्रॉप किया जाए एच हाइट से तो कितना टाइम लेता है जमीन तक पहुंचने में, अंडर रूट टू एच अपॉन जी लेता है. उस फैक्ट को यूज करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा ये. खैर अब हमारे पास टाइम आ गया. अब इतने टाइम तक ये एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या कर रहा था, इसके ऊपर तो कोई एक्सेलरेशन था नहीं, तो एक्स जो है वो डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम. अब देखो रूट टू एच और रूट टू एच ये तो मल्टीप्लाई होके कितने हो जाएंगे, 2h हो जाएंगे. ऊपर रूट जी है और नीचे रूट जी है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. तो आपका आंसर कितना आएगा, 2h. इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, राइट. तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर फंडा यही है कि जहां पे भी आप कंफ्यूज हो जाओ x और y डायरेक्शन को रिजॉल्व कर लो और आसानी से अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मोशन को स्टडी कर लो, आपका काम चल जाएगा. An aeroplane moving horizontally with a speed of 180 km per hour drops a food packet while flying at a height of 490 meter. तो 490 meter पर आपका aeroplane उड़ रहा है और 180 km per hour से उड़ रहा है, वो एक food packet drop करता है. अब लोगों को लगेगा कि जो drop किया जाएगा वो सीधा नीचे गिरेगा, but क्योंकि aeroplane से drop किया जा रहा है तो उसकी भी कुछ horizontal velocity होगी. उसकी वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो होगा, बट उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, उतनी ही जितनी आपके एरोप्लेन की वेलोसिटी है. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. यहां तक का काम हो गया. अब फूड पैकेट इस तरीके के पाथ पर मोशन करते 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 जमीन पर पहुंचेगा, तो पूछा है बताओ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पैकेट कितनी होगी. तो यानी कि ये जो रेंज है ये आपको निकालनी है. अगेन सबसे पहले अपन टाइम निकाल लेंगे, तो टी आ जाएगा अंडर रूट टू एच अपॉन जी. ठीक है, तो जी कितना ले लेते हैं अपन, 9.8 ले लेते हैं ताकि अंडर रूट जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाए. पॉइंट हटेगा, जीरो लग जाएगा, 2 से 98 कैंसिल हो जाएगा, 49 से ये कैंसिल हो जाएगा 100, तो टी निकल के आएगा 10 सेकंड. और 10 सेकंड के अंदर 50 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ कोई पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, डायरेक्ट अपन 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 500 मीटर. तो फाइनली आपका आंसर जो आना चाहिए कितना आना चाहिए, 500 मीटर आना चाहिए, राइट. ये फॉलो अप क्वेश्चंस है, तो मैंने बताया था कि मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना हो सकता है आपको आसान लगे या हो सकता है आपको टफ लगे, क्योंकि क्वेश्चंस मैं वो कंसिडर करने की कोशिश करता हूं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कि इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं. बट ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस या उन जैसे क्वेश्चंस है जो कि आप नीट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसकी स्क्रीनशॉट लो और बिल्कुल दिल से इस लेक्चर को देखने के बाद में इन क्वेश्चंस को ट्राई करो एंड उसके बाद में जज करो कि आपको मोस्ट वांटेड सीरीज आखिर में कितना हेल्प कर रही है. आई होप आपको काफी ज्यादा हेल्प कर रही होगी मोस्ट वांटेड सीरीज. तो एक पेज ये है जिसपे 3 क्वेश्चन है और ये है हमारा सेकेंड पेज जिसके ऊपर 2 क्वेश्चन है. आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद में आपका
जो रियल नॉलेज चेक है वो आप आसानी से कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको केवल और केवल उन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मिनिमम टाइम के अंदर करने की कोशिश करनी है, तब जाके आएगा मजा। तो आई होप आप एंजॉय करेंगे इसी तरीके से मोस्ट वांटेड सीरीज को आगे भी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।